आप सबका आम आदमी पार्टी के आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत, डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत। एक बेहद संवेदनशील और गंभीर विषय पर, दुखद विषय पर, पीड़ा देने वाले विषय पर आज आम आदमी पार्टी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। 1947 के बाद आज पहली बार ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य देखने को मिल रहे हैं और भारत के कोने कोने में देखे जा रहे हैं, जहां लाखों की तादाद में गरीब प्रवासी मजदूरों का पलायन हो रहा है। इस प्रकार का माइग्रेशन, इस स्तर का पलायन आज से पहले शायद 1947 जब देश का विभाजन हुआ था उस समय देखा गया होगा। उस समय भी काफी लोग अपनी धन संपत्ति, अपना रोजगार, अपना घर, अपने करीब लोगों, अपने रिश्तेदारों से हाथ धो बैठे थे और आज भी कुछ इसी प्रकार से दृश्य देश के कोने कोने में नजर आ रहे हैं, जहां लाखों प्रवासी अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, अपने मूल राज्य की तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा कि जिस बर्बरता का सामना गरीब मजदूर कर रहे हैं, जो दुर्गति बेचारे प्रवासी मजदूरों की आज हो रही है, जो मानव अधिकारों का हनन उन गरीब मजदूरों का हो रहा है, उसके लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः जिम्मेदार है। आज भारतीय जनता पार्टी ने कई बड़े बड़े अमीर लोगों को जो विदेशों में थे, उनको भारत देश वापस लाने के लिए आलीशान जहाज भेजे, उनको आलीशान जहाज हिंदुस्तान से रवाना कर सही सलामत अपने देश वापस भारत लाया जा रहा है। कई बड़े बड़े उद्योगपतियों को अपने निजी एयरक्राफ्ट लाने का, प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन करके उन्हें सही सलामत हिंदुस्तान लाने का प्रबंध भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अच्छी बात है किया, लेकिन उन गरीब मजदूरों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया, उन गरीब मजदूरों, प्रवासी मजदूरों के बारे में नहीं सोचा। ये जो गरीब मजदूर हैं, ये जो प्रवासी श्रमिक हैं, जो दो वक्त की रोटी कमाने के लिए अपने मूल राज्य से, अपने गांव से शहरों में आते हैं, ये हमारे देश के असली बिल्डर्स हैं, निर्माता हैं, दे आर द बिल्डर्स ऑफ इंडिया। आज यही प्रवासी मजदूर हैं जो देश के कोने कोने में जाकर अपना खून पसीना एक कर इस भारत की नींव रखते हैं, हमारे देश को बनाते हैं, देश को खड़ा करते हैं। और आज उनकी जो दुर्गति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो वास्तव में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आज बड़े स्पष्ट शब्दों में चार सवाल भारतीय जनता पार्टी से, हम नहीं, आम आदमी पार्टी नहीं, वो प्रवासी मजदूर, वो श्रमिक आज भारतीय जनता पार्टी से चार सवाल पूछना चाहते हैं। आज मजदूर बेचैन हैं, परेशान हैं, अपने घर लौटना चाहते हैं, उनकी आजीविका, उनकी आमदनी, उनकी अर्निंग कैपेसिटी पर एक प्रकार का पूर्ण विराम लग गया है और वो बेचैन है, अपने गांव जाना चाहते हैं, अपने परिवार वालों के पास जाना चाहते हैं, वो आज भारतीय जनता पार्टी से चार सवाल पूछना चाहते हैं। वो औरत जो पिछले 3 दिनों से लगातार चलती जा रही है सामान ढोए चलती जा रही है अपने गाँव की ओर, क्योंकि उनके लिए ना बस का इंतजाम है, ना ट्रेन का इंतजाम है, वो गरीब औरत, वो मजदूर जिसकी जेब में पैसा नहीं, जो चलती जा रही है, उसके पाँव में हुए छाले आज भारतीय जनता पार्टी से पूछते हैं कि क्या हम मानव नहीं हैं। आज वो व्यक्ति जो बीते 7 दिनों में 325 किलोमीटर चल चुका है, अपने मूल राज्य की ओर चला जा रहा है, अपने 6 साल के बेटे को अपने कंधे पे बिठाए, उसके थके हुए कंधे आज भारतीय जनता पार्टी से पूछते हैं कि क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं। आज वो 6 साल का बच्चा जो चल चल के थक गया और अपनी माँ के सूटकेस पर सो गया, उसकी आंख लग गई, वो 6 साल का बच्चा जो थक टूट कर अपनी माँ के घिसटते हुए सूटकेस पर सो गया, आज उस 6 साल के बच्चे की नींद से भरी आंखें
भारतीय जनता पार्टी से पूछती हैं कि मेरा अपराध क्या है। आज वो श्रमिक जो महानगरों में आया था अपने रोजगार के लिए, आज जब वो श्रमिक हजारों किलोमीटर का सफर तय करने के लिए चला जा रहा है, उसका इस धूप में चल चल कर गला सूख गया है, उस श्रमिक का सूखा हुआ गला आज भारतीय जनता पार्टी से पूछता है कि क्या इस देश में गरीब की जान के कोई मायने ही नहीं है। ये चार सवाल सीधे तौर पे कोई राजनीतिक दल नहीं, कोई राजनीतिक दल का प्रवक्ता नहीं, बल्कि वो गरीब मजदूर, वो प्रवासी श्रमिक जो आज अपने मूल राज्य जाना चाहते हैं या सफर तय कर रहे हैं, उनकी दिल की आवाज़ है। ये उनके सवाल हैं, ये हमारे सवाल नहीं। क्या इस देश में आज अमीर की जान की कीमत है, गरीब की जान की कोई कीमत नहीं? क्या भारतीय जनता पार्टी केवल अमीरों के लिए काम करेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी आलीशान जहाज केवल अमीरों को हिंदुस्तान सही सलामत लाने के लिए लगाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी बसें, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़ी ट्रेन, यहां तक कि जहाज उन गरीब मजदूरों के लिए नहीं लगा सकती? क्या ये मजदूर हमारे देश का हिस्सा ही नहीं है आज? क्या इन मजदूरों का हमारे देश के निर्माण में कोई योगदान ही नहीं है? आज बीते कुछ दिनों में जो दृश्य हम सब ने देखे हैं, पूरे देश ने देखे हैं, वो दृश्य भारतीय जनता पार्टी की गरीब विरोधी मानसिकता का दृश्य है जो आज पूरी तरीके से देश के सामने है। मैं चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी इन चार सवालों का, उस औरत का जो लगातार चलती जा रही है, कई किलोमीटर चलने के बाद उसके पाँव के छाले भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल पूछते हैं, वो आदमी जो 6 दिनों से चला जा रहा है अपने बच्चे को कंधे पे बिठाए, उसके थके हुए कंधे भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल पूछते हैं, वो बच्चा जो थक के टूट के चूर होकर अपनी माँ के घिसटते हुए सूटकेस पे सो गया, वो बच्चा आज भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछता है। और वो श्रमिक जो कई दिनों से चले जा रहा है इस गर्मी में, उसका सूखा हुआ गला आज भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल पूछता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम कुछ दिनों के लिए झूठ मूठ ही सही अपनी गरीब विरोधी मानसिकता को परे करके इन सवालों का जवाब देगी और बेचारे गरीब मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए कुछ कदम उठाएगी। आप में से किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। लॉकडाउन को लेकर दिल्ली गवर्नमेंट की क्या प्रिपरेशन है, या एक्सटेंड करेंगे नहीं करेंगे? देखिए, जहाँ तक लॉकडाउन एक्सटेंड करने की बात है, इसका फैसला केंद्र सरकार लेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तमाम माननीय मुख्यमंत्रियों जी के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विस्तार से चर्चा करी है। केंद्र सरकार फैसला लेगी। केंद्र सरकार ने हमसे सुझाव मांगे थे कि दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में हम आने वाले दिनों को कैसे देखते हैं, हमारे हिसाब से क्या क्या चीज़ों में रियायतें देनी चाहिए और किन किन चीज़ों पर सख्ती होनी चाहिए। वो सारे सुझाव हमने केंद्र सरकार को भेजे हैं। हमें भी उम्मीद है कि बहुत जल्द केंद्र सरकार अपनी गाइडलाइंस जारी कर सूचना देगी कि लॉकडाउन 4.0 की दिशा और दशा क्या होगी। गाजीपुर बॉर्डर पे काफ़ी सारे माइग्रेंट लेबर्स फंसे हुए हैं, उनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा कि इतने समय के आलस में भारतीय जनता पार्टी सुस्त होकर सोती रही और ये माइग्रेंट्स का इशू, ये प्रवासी श्रमिकों का इशू बढ़ता गया। आज कितने हजारों लोगों की जानें चली गई हैं, कितने लोग हैं, रोज हमें अखबार में पढ़ने को मिलता है, मीडिया में देखने को मिलता है, वीडियो सामने आते हैं कि कितने लोग जान से हाथ धो बैठे हैं। कुछ लोग चलते 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 किसी गाड़ी के नीचे आ गए, कोई सीमेंट मिक्सर में चल के उन्होंने अपनी जानों को गवा दिया, कोई लोग रेल की पटरी पर सो रहे थे, उनके ऊपर से ट्रेन गुजर जाती है, न जाने कितने लोग मर गए। ये तो 1947 का दृश्य आज हमारे सामने है, उस समय भी ऐसे ही लोग मरे होंगे। आजकल जितने भी पुराने इतिहास के जानकार हैं वो बताते हैं कि कुछ इसी प्रकार का पलायन 1947 में हुआ था। और बड़ी दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपनी गरीब विरोधी मानसिकता से पूरी तरीके से त्रस्त है, पूरी तरीके से काबू में है अपनी गरीब विरोधी मानसिकता की, आज वो इन बेचारे गरीब श्रमिकों के लिए कुछ कदम ही नहीं उठा रही है, कुछ कर ही नहीं रही है, बस अपने आलस में, अपनी सुस्ती में
उनकी हालत को देखे जा रही है और उसका संज्ञान तक नहीं ले रही है, बहुत दुखद विषय। दिल्ली में लगातार कोरोना पॉजिटिव केसेस बढ़ते जा रहे हैं और 10,000 के पास होने वाले हैं, उसके लिए क्या और प्रिपरेशन कर रही है दिल्ली गवर्नमेंट? देखिए, दिल्ली सरकार ने इस लॉकडाउन का सदुपयोग करके जो भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था वो बनाया है। तमाम क्रिटिकल केयर, ICU, वेंटिलेटर, PPE किट, RT-PCR किट, रैपिड टेस्टिंग किट, उनको पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरीके से मजबूती से उसका इंतज़ाम कर लिया है। अब हम पूरी तरीके से इस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार हैं और जिन इलाकों में जहाँ पर ये फैलने की संभावना कम है या जहाँ पर फैला नहीं है उन इलाकों को खोलना चाहिए और पूरी तरीके से दिल्ली और दिल्ली वाले, दिल्ली सरकार मिलकर इस बीमारी से लड़ने को तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया।